नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम दूसरी वीडियो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की जो है वो लेके आए हैं। और फर्स्ट वीडियो जो थी तो उसमें हमने बहुत सारी टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो है वो हम जो है वो उन टर्म्स को जो है वो किस तरीके से जो है वो हम बोलते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ जो है वो डायरेक्टली जो है वो आप तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आज की वीडियो की जो फर्स्ट टर्म जो है तो वो है हमारे पास व्हाइट हैट। ठीक है, तो व्हाइट हैट क्या होती है? ठीक है, एथिकल हैकर्स हु यूज देयर स्किल टू सिक्योर द इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ओवर द नेटवर्क बोल सकते हैं या हम। ठीक है, व्हाइट हैट का मतलब क्या होता है कि कई बार कैसे होता है यार, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में कई बार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, लेकिन उस वायरस का भी तो कोई इलाज होता है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक एंटीवायरस होता है। ठीक है, एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस होता है। अब एंटीवायरस क्यों डेवलप किया जाता है? ये इसलिए डेवलप किया जाता है कि जो वायरस जो कोई गलत गतिविधियां जो है वो करता है तो उसको जो है वो मतलब डिलीट कर दें, वायरस जो है वो उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब कि ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये अच्छा है और ये जो है ये गलत है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। तो व्हाइट हैट का यही मतलब होता है कि अब ये बनाया किसके द्वारा बनाया, तो ये कंप्यूटर वायरस भी और कंप्यूटर का एंटीवायरस जो होता है ये भी हैकर्स जो हैं तो वही बनाते हैं। ठीक है, जिसको नॉलेज होगा तो वही बनाएगा। ठीक है, इन दोनों को, तो ये जो हैकर्स जो होते हैं तो वो यूज़ करते हैं अपनी स्किल को कंप्यूटर की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वाइट हैट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है एक वर्ड होता है, हमारे पास टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं जॉम्बी। ठीक है, तो जॉम्बी का मतलब होता है ब्लैक हैट। ठीक है, और ब्लैक हैट जो होता है वो इसका अपोजिट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एंटीवायरस बना रहा है तो इट मीन्स कि ब्लैक हैट में वहाँ पर वो वायरस बना रहा है और वायरस के थ्रू जो है वो डिफरेंट जो मतलब काम कर रहा है और उसको वायरसेस का इस्तेमाल करके वो बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में घुसने की कोशिश कर रहा है और उनका जो डेटा जो है तो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है या फिर चुराने की कोशिश कर रहा है। तो ये था जॉम्बी। उसके बाद हम बात करते हैं मैश। ठीक है, तो मैश क्या होता है? कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, सपोज़ करो हमारे पास एक ये रूम है और इस रूम में क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, रूम या फिर हम रूम ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक प्राइवेट जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है तो इसके बीच में जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो लगे हुए हैं। अब ये जो क्या कर ये कंप्यूटर वाले क्या करते हैं कि एक दूसरे का डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, या फिर सेम डेटे के ऊपर जो है वो काम करते रहते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ सारे कंप्यूटर जो होंगे ये इंटरकनेक्टेड होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, तो इसको हम बोलते हैं मैश। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको हम मैश बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मैन। मैन का क्या फुल फॉर्म होती है? सबसे पहले फुल फॉर्म होती है इसकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इंटरकनेक्ट करता है यूजर विद कंप्यूटर रिसोर्सेस इन अ जियोग्राफिक रीजन ऑफ द साइज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया। देखो हमारे पास क्या होते हैं नेटवर्क जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। ठीक है, अब सबसे छोटा जो होता है वो होता है हमारा लैन। ठीक है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क मतलब स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया जो होता है उसको कनेक्ट करता है, उसको हम लैन बोलते हैं। अब उससे जो बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये उससे ज़्यादा एरिया जो है उसको कनेक्ट करता है। अब इससे जो ज़्यादा एरिया को कनेक्ट करता है उसको फिर हम वैन बोलते हैं, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, लार्ज जियोग्राफिकल डिस्टेंस जो होता है उसको ये कवर करता है। ठीक है, तो ये तीन जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आता है इनके साथ साथ हमारे पास पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, जैसे सपोज करो कि कहीं पर आर्मी का जो है वो वहाँ पर जो है वो ऑफिस है जो कुछ भी है। ठीक है, तो वो उनका पर्सनल है। ठीक है, तो उसमें जो है वो कोई बाहर से घुसने की कोशिश नहीं करेगा, तो उनका एक जो अपना होगा तो उसको हम बोलेंगे, छोटा एरिया जो होगा तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल डिवाइसेस दैट आर क्लोज टुगेदर एग्जाम्पल सेल फोन्स इंटरकनेक्ट द ईच अदर वायरलेसली ओवर अ शॉर्ट रेंज टिपिकली लेस देन 30 फीट। ठीक है, तो मोबाइल फोन जो है वो हमारी एग्जाम्पल है जो कि 30 फीट विद इन 30 फीट जो है वो एक दूसरे के साथ वायरलेसली जो है वो कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैन, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है वीपीएन। ठीक है,
वीपीएन की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म आनी चाहिए। वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। वीपीएन जो होता है वो एक क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हब की। हब क्या होता है, ठीक है, कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, ठीक है। तो एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट होता है ना, यहाँ से कॉमन कनेक्शन जो है वो सारे कनेक्शन दिए जाते हैं, उसको हम हब बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, हब बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक यहाँ को कनेक्शन होगा, एक यहाँ को, एक यहाँ को, एक यहाँ को, यहाँ को, तो इसको हम हब बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम गेटवे के बारे में, ठीक है। तो गेटवे क्या होता है, नेटवर्क पॉइंट एक्ट टू एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क, ठीक है। देखो, एक नेटवर्क से लेके दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए जो है वो जो रास्ता चुना जाता है। तो यहाँ से सपोज करो कि यहाँ से जो है वो कट है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरे नेटवर्क में जाना है एक दूसरे से, तो इसको हम बोलेंगे गेटवे बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इसको हम गेटवे बोलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज जैसे हम ऐसे ब्रिज की बात करते हैं ना, कि एक सपोज करो कि ये एक नाला आ रहा है और इसके ऊपर ब्रिज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस एरिया को और इस एरिया के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। बस उसमें भी वही होता है कि जैसे ये एक लोकल लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और ये भी एक LAN है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज। उसके बाद होता है हमारे पास नोड। नोड क्या होता है, एनी डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कोई भी डिवाइस जो है वो उसको कनेक्ट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जैसे जैसे सपोज करो कि हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, यार छोटी छोटी डिवाइसेस होती है ना हमारे पास, लाइक कई बार कंप्यूटर का मतलब नेटवर्क का इस्तेमाल करके हम स्पीकर्स भी चलाते हैं, ठीक है, या फिर माइक हो गया, या फिर पेन पैड हो गया। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं नोड की। उसके बाद होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को जो जोड़ते हैं, और वो क्या, हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इंटरफेस का काम मतलब ही वही होता है कि जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इंटरफेस। स्विच क्या होता है, उसके बाद स्विच की बात करते हैं। स्विच का मतलब होता है स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट जॉइंट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टूगेदर विद लैन, ठीक है। अब देखो, एक छोटी लैन होती है ना, ठीक है, लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो उसके बीच में जो है वो क्या होता है कि एक छोटी हार्डवेयर डिवाइस होती है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको पता ही है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो होता है जिसको हम मतलब जो काम भी करता है और जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। हार्ड मतलब जिसको टच कर सकते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि कोई ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई जिस पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जो है वो टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात करते हैं हमारी PPT हो गई, या फिर ये MS Office हो गया, ठीक है। MS Office जो हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, MS Office को बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर काम करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस जिसको हम टच भी कर सकते हैं, जो कि जॉइंट की जाती है मल्टीपल कंप्यूटर के साथ, किसमें, लैन में, तो उसको हम बोलते हैं स्विच, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है कि जो IP एड्रेस होता है ना हमारा, IP एड्रेस का जो लास्ट एड्रेस होता है, ठीक है, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारा IP एड्रेस है, इसका जो ये होगा ना लास्ट एड्रेस, ठीक है, लास्ट एड्रेस, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला क्या आ गया हमारा कि जिप, ठीक है। सबसे पहले जिप की फुल फॉर्म क्या होती है, जोनल इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, जोनल इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब ये जोनल इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता क्या है, ये एक एप्लीकेशन होती है। ये क्या करती है कि जो बाकी जो, जैसे ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो बाकी जितनी भी एप्लीकेशन फाइल्स होंगी तो उनके ऊपर क्या करती है, ये दबाव बनाती है कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि ये क्या करती हैं कि अपना जो डेटा जो होता है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है कि उसके ऊपर ऐसा मतलब मीन्स कि उसके ऊपर दबाव बना के रखेगी कंप्रिहेंशन तरीके से कि वो जो है वो अपना डेटा जो है वो चेंज ना करें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि चेंज हो जाता है, ठीक है, मालवेयर जो है वो उसमें आ जाता है। दूसरा बात करते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन होता है सपोज करो एक रूम है, ठीक है, एक रूम है और उस रूम में जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, और कंप्यूटर के लिए जो है वो वहाँ पर UPS होंगे,
या फिर सीपीयूज़ होंगे या फिर स्पीकर्स होंगे और सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मोनिटर्स होंगे, कीबोर्ड होंगे, ठीक है, प्रिंटर्स होंगे, प्लॉटर्स होंगे, ठीक है, सारे डिवाइसेस होंगे और वहाँ पर जो है वो काम किया जाता है, उसको हम वर्क स्टेशन बोला जाता है। यार सेम ही है, जैसे क्या होता है कि जैसे कहीं पे जो है वो एक मतलब गाड़ियों की जो होती है ना, एक वर्कशॉप बोलते हैं जहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पर जो है वो काम करने के लिए गाड़ियाँ लगाई होती हैं। वैसे ही कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वहाँ पे। फिर वर्क ग्रुप क्या होता है? वर्क ग्रुप होता है कि जो बंदे वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको हम वर्क ग्रुप बोलेंगे, जो शेयर करते हैं फाइल को, शेयरिंग करते हैं और डेटा को अपने आप, मतलब पूरा जो है वो, जैसे एक ये रूम है, इसके रूम में, इस रूम में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डेटा जो है वो उसको शेयर करेंगे, फाइल्स को शेयर करते हैं एक दूसरे को, कि जिसको जो है वो ज़रूरत होगी, तो उसको बोलते हैं वर्क ग्रुप। उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जो होता है उसको हम सबसे पहले तो उसको टच भी कर देते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होता है उसको पर्टिकुलर काम के लिए जो है वो उसको डिफाइन बनाया गया होता है। एक एप्लीकेशंस होती है ना, जैसे जिनको हम ऐप बोलते हैं मोबाइल में, तो यही यही सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसीजर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू द इफेक्टिव ऑपरेशन। वो एक किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जो है वो उसको बनाया गया होता है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसके बाद सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड क्या होता है कि सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होती है स्टोर्ड फॉर्म में, ठीक है। देखो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है और वो स्टोर किया गया होता है, उनको हम सोर्स कोड बोलते हैं। उसके बाद यूएसपी, यूएसपी नहीं है, ये है यूपीएस, ठीक है। यूपीएस स्टैंड्स पर यूनिवर्सल पावर सप्लाई बोल सकते हैं, या फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। ये किसके लिए होता है? ये एक ऐसे डिवाइस होता है जिसको हम कंप्यूटर के साथ जो है वो जोड़े रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि पावर देने के लिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि बीच में हम कोई काम कर रहे हैं तो लाइट जो है वो चली जाती है, जब लाइट चली जाती है तो ये जो है वो ये पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को, कि जिससे जो है वो इंपॉर्टेंट फाइल्स के ऊपर जैसे कोई काम कर रहा है तो वो अपने आप जो है वो डिलीट ना हो जाए, बंद हो जाएगा तो सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, तो ये पावर देने का काम करता है, इसको बोलते हैं यूपीएस, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले विंडो, ठीक है। तो विंडो क्या होता है? जो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनको तो विंडो के बारे में पता ही होगा सबसे पहले, ठीक है। विंडो क्या होता है? विंडो होती है अ पोर्शन ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले, ठीक है। जैसे मेरे सामने एक कंप्यूटर की डिस्प्ले खुली है, ठीक है, ये पूरी जो है वो डिस्प्ले खुली है, जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं। तो स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? विंडो बोलते हैं, ठीक है। अब ये विंडो जो होती है, इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो ऐप्स बने होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे वो हमें ले जाते हैं, जहाँ पर हम पर्टिकुलर काम जो है वो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम विंडो बोलते हैं। उसके बाद होती है हमारे पास वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? एक कलेक्शन होती है वेब पेज, ठीक है। वेब पेज बहुत सारे इकट्ठे किए गए होते हैं, या फिर हाइपर लिंक्ड वेब पेज होते हैं, जो कि किसी इंडिविजुअल या फिर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन किया गया होता है उनको, तो उसको हम वेबसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। वायरस क्या होता है? उसके बाद वायरस क्या होता है कि एक ऐसा कोड जो है वो, एक ऐसा कोड जो है उसको डिज़ाइन किया गया होता है किसी के साथ मजाक करने के लिए, प्रैंक करने के लिए, या फिर मैलिशियस गलत काम करने के लिए किसी के साथ, ठीक है। और उसको स्प्रेड किया जाता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, अटैचिंग इटसेल्फ टू द अदर प्रोग्राम, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच करके जो है वो एक से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो उसको भेजा जाता है। अब पहले जो होते थे, पहले वायरस जब नया नया आया था तो इसका इस्तेमाल जो था वो मजाक के लिए इस्तेमाल किया जाता था, कि जैसे जानबूझ के दो बंदे बैठे हैं कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं तो जानबूझ के कोई चीज़ उसकी गायब कर दी। लेकिन धीरे 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 जैसे लोगों में समझ आना शुरू हो गई और लोग चतुर चलाक जो है वो बनना शुरू हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि इसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीकों से जो है वो शुरू कर दिया। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो वायरस का इस्तेमाल जो है वो लोगों का डेटा चुराने के लिए, जहाँ लोगों की इन्फॉर्मेशन फाइल्स हो गई तो उनको चुराने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में उनको बोला जाता है कि भाई साहब पैसे दो या ये करो या वो करो, तो तभी जो है वो हम आपका डेटा जो है वो उसको वापस देंगे। या फिर कोई ऐसा डेटा होगा जैसे कोई वीडियोस हो गई तो बोलेंगे कि भाई हमें इतने पैसे दो, अदरवाइज हम ये वीडियो जो है वो आपकी पोस्ट कर देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम जो है वो इसको पोस्ट कर देंगे। तो इस तरीके के वायरस के थ्रू जो है वो फ्रॉड्स जो है वो आज की डेट में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैक बॉल की, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या होता है कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ट्रैक बॉल क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है डेटा, मतलब उसमें डालने के लिए, जैसे ये है ना, ये जो चल रहा है कर्सर, तो बस ट्रैक बॉल का भी यही काम होता है कि उसके ऊपर, जैसे यहाँ पर जो है वो अलग अलग
वो बने होंगे, ठीक है, जिनको हम लोग गोज बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रैक बॉल को यहाँ पे लेंगे तो हम ऐसे क्लिक करेंगे तो वही खुलेगा, तो ट्रैक बॉल का ये काम होता है। उसके बाद होता है अपलोड। अपलोड एक होता है अपलोड, एक होता है डाउनलोड। अपलोड का मतलब होता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके जब हम किसी डेटा को, फाइल को, या फिर कोई भी चीज़ है उसको हम इंटरनेट के ऊपर जो है वो चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं हम अपलोड, ठीक है। अब जैसे ये एक मेरा कंप्यूटर है और एक ये है दूसरा कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा इंटरनेट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी सोशल मीडिया पे जो है वो कोई चीज़ जो है वो अपने कंप्यूटर पे बना के जो है वो उसको चढ़ाता हूँ, तो उसको बोलेंगे अपलोड। अब कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज़ बनी है और मेरे को चाहिए, यहाँ पर कोई किसी ने गाना अपलोड किया है तो मुझे जो है वो गाना चाहिए, तो कि मैं जो है वो बाद में जो है वो कभी भी जो है वो उसको बजा सकूं, तो मैं क्या करूंगा, वहां से उस गाने को जो है वो डाउनलोड करूंगा। तो ये होता है अपलोड। अपलोड का मतलब होगा कि इंटरनेट के ऊपर चलाना, और डाउनलोड का मतलब हो गया इंटरनेट से जो है वो हमें अपने मोबाइल या फिर अपने सिस्टम में जो है वो उसको डालना, ठीक है, उसको बोलते हैं डाउनलोड। उसके बाद होता है एक टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, दिस इज वट यू लुक एट वेन यू आर ऑन द इंटरनेट, इट इज़ योर कंप्यूटर स्क्रीन। यार कई बार क्या यार, जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम कोई ना कोई चीज़ तो देखते ही हैं, ठीक है, और जो हम देखते हैं तो वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है, और जो हमें दिख रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। तो ये था टर्मिनल। तो दोस्तों ये थी कुछ टर्म्स, ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो हमारे एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो उसको मेंशन किया है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ठीक है, तो इनको तभी जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हमने पीछे वाला एक पेपर देखा होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, तो उसमें जो थी वो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मतलब एक अलग से टॉपिक जो था वो मेंशन नहीं किया गया था उसमें, ठीक है, तो उसमें जो थे ये चीज़ें जो है वो हमें नहीं आई थी, तो यहाँ पर जो है वो हमें ये चीज़ें पेपर में आएंगी, तो दैट्स वाई आई एम टीचिंग दीज थिंग्स। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये हमने बहुत सारी टर्म्स के बारे में जो है वो डिस्कशन की है, और जो कि मुझे लग रहा था कि इनके ऊपर जो है वो हमें बात करनी चाहिए, और बाकी जो नेक्स्ट डेटा जो होगा, कोई मैं कंप्यूटर के ऊपर कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि मुझे लगेगा कि इसके यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं डाली हैं जो कि डेटा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी मैं जो है वो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं कंप्यूटर पे कोई वीडियो जो है वो और नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगेगी कि ये अच्छी है और इसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन लोगों को ज़रूरत है, दोस्तों को ज़रूरत है, तो मुझे जो भी जब भी लगेगा तो मैं उसके ऊपर जो है वो वीडियो लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।